हूँ मैं गौरी मंदिर में जहाँ बाबा निवास कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद यहाँ से बाबा प्रस्थान करेंगे केदारनाथ। दोस्तों बाबा की डोली के साथ हजारों लोगों का हुजूम चलता है, आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं, जितने आगे हैं इससे ज़्यादा लोग पीछे हैं। तो गाइस डोली बहुत तेज चलती है, और अगर आपको इसके साथ चलना है तो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को काफ़ी मजबूत रखना पड़ेगा, और मैं भी थक गया हूँ काफ़ी। चलो आगे फिर सफ़र करते हैं तैयारी अपनी यात्रा को, और जब तक पैरों में जान रहेगी तब तक बाबा की डोली के साथ बना रहूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हर पॉइंट पे छोटे छोटे डोली के लिए स्थान बने हुए हैं। यहाँ पे डोली का जलपान होता है, और 5-10 मिनट रुक के डोली फिर आगे के लिए प्रस्थान करती है। अभी डोली वहाँ पहुँच गई है, और मैं भी कोशिश करूँगा वहाँ पे जाने के लिए। तो छोटी छोटी जैसे अभी भीमबली है, तो यहाँ पर डोली रुकी थी, उसके बाद अब आगे रामबाड़ा पे हो सकता है डोली रुके। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे डोली रुकती है, और दोस्तों घर से तो निकला था अकेला बाबा केदारनाथ के दर्शन करने, लेकिन रास्ते में लोग मिलते चले गए, और ये सफ़र बहुत ही सुहाना होता चला गया। और कभी भी बाबा ने मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं अकेला यात्रा कर रहा हूँ, और लोग भी साथ इतना एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं अब आपके लेकर चलूँगा आगे, और अच्छे अच्छे व्यूज़ आपको दिखाऊँगा, साथ ही अब सफ़र होने वाला कुछ कठिनाइयों वाला। तो चलिए मेरे साथ बने रहें और इस यात्रा को पूरी तरह से एंजॉय करें। बोलो जय श्री केदार।